हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुदीप एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल सुदीप 250। दोस्तों आज हम लोग, मेरे सामने जो कलर है R15 वीपर की वीवी मैग्नेटा मेटेलिक कलर है। एंड दोस्तों आज मैं आप लोगों को R15 वर्जन 4 की ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट, EMI स्कीम कितना का है, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगा। एंड इस बाइक के ऊपर आप लोग 100 रुपये लेना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको क्या क्या हिडन चार्जेस वगैरह लगती है, उन सब के बारे में बताऊँगा। देन आप लोग भी अलर्ट हो सकते हो उस के लिए। एंड इस बाइक आप लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको EMI के ऊपर एक डिटेल्स अंदाजा आ जाए। एंड दोस्तों पहले आप लोग इस बाइक की कलर वेरियंट की बात करें तो इस बाइक के ऊपर आप लोग को व्हाइट कलर के ऊपर आती है, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर एंड रेड कलर, ये चारों कलर आती है, प्लस आपको पिंक कलर वाली जो आती है। एंड इस बाइक की और भी मॉडल है, R15 की कार्बन फाइबर एडिशन आती है एंड आपको एक R15 AM एडिशन आती है, तो मॉन्स्टर एडिशन, ये सारी कलर है और इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। आज मैं आप लोगों को वर्जन 4 की प्रॉपर प्राइस के बारे में बताऊँगा। सो इसकी जो एक शोरूम प्राइस है 1,88,500 के अप्रोक्स आपको आती है हमारे हल्दिया के अंदर। आपको अगर आपका स्टेट का जानना है देन आप लोग कमेंट कर सकते हो मेरे को। एंड इस बाइक की अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें, ऑन रोड प्राइस हमारे हल्दिया के अंदर 2,30,000 के अप्रोक्स ऑन रोड प्राइस आ जाती है। एंड ये बाइक आप लोग अगर लेना चाहते हो तो आप लोग को मिनिमम जो डाउन पेमेंट है 45,000 देने से मिल जाएगा। सो 45,000 के ऊपर आपका क्या क्या EMI आती है, उन सब के बारे में बात करते हैं। सो आप लोग मैक्सिमम 4 साल तक EMI करवा सकते हो। एंड मैं आप लोगों को IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर EMI स्कीम के बारे में बात बताऊंगा, जिसका 9% इंटरेस्ट रेट है, एवरेज स्टैंडर्ड पकड़ के चलिए। सो आपका 4 साल का जो EMI आएगा, 4 साल के लिए आपका 5,247 रुपये करके 4 साल के लिए आपका दोस्तों EMI आएगा हर एक मंथ के लिए। एंड 36 मंथ के लिए आपका 6,533 रुपये के अप्रोक्स आएगा 36 मंथ, 3 साल के लिए। एंड 2 साल के लिए लेना चाहते हो तो 2 साल के लिए आपका 9,100 के अप्रोक्स आएगा 2 साल के लिए आपका EMI आएगा, 45,000 मिनिमम डाउन पेमेंट देने से। अभी बात करते हैं आप लोगों को इस बाइक के ऊपर 70,000 डाउन पेमेंट करने पे आपका कितना का चार्जेस आएगा। सो आप लोग अगर 70,000 डाउन पेमेंट कर देते हो देन आप लोगों को इस बाइक के ऊपर जो आएगा 4,539 रुपये करके 4 साल तक आपका EMI आएगा। एंड आप लोग अगर 3 साल का लेना चाहते हो तो 3 साल के लिए आपका आएगा 5,651 रुपये करके 3 साल तक आपका EMI आएगा इस बाइक के ऊपर। एंड दोस्तों 2 साल के लेना चाहते हो तो 2 साल के लिए आपका 7,876 रुपये करके 2 साल के लिए आपका इस बाइक के ऊपर EMI आएगा, जो कि डाउन पेमेंट 70,000 देने से आपको इस बाइक की EMI, ये जो स्कीम मैंने बताई ये वाली है। दोस्तों ये हो गई 70,000 डाउन पेमेंट की स्कीम। एंड अभी दोस्तों आप लोगों को 50% डाउन पेमेंट, मतलब 1,15,000 आप लोगों को डाउन पेमेंट कर देते हो देन बाकी 1,15,000 के ऊपर आपको कितना का EMI आएगी उसके बारे में अभी बात करते चलिए। सो आपका 4 साल का जो इंटरेस्ट रेट आएगा, 4 साल के लिए आपका 3,264 रुपये करके 4 साल तक आपका इंटरेस्ट रेट आएगा, EMI आएगा। एंड 3 साल के लिए 4,064 रुपये करके 3 साल तक आपका EMI आएगा। एंड 2 साल के लिए आपका 5,664 रुपये करके 2 साल तक आपका EMI आएगा। एंड 12 मंथ के लिए, मतलब 1 साल का लेना चाहते हो देन आपका आएगा 10,464 रुपये करके 1 साल के लिए आपका EMI आएगा दोस्तों। एंड आपका क्या क्या अभी डॉक्यूमेंट चाहिए उन सब के बारे में बात करते हैं। सो आपका लोन करने के लिए आधार, वोटर, पैन, 2 कॉपी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्लस आपका अगर सैलरी स्लिप रहेगा देन आपको जो है लोन ज़्यादा ज़्यादा प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होगी उसके ऊपर। सो आपके लिए वो अच्छी है, आपका सैलरी स्लिप नहीं होगा तो भी आपका लोन कर दिया जाता है हर एक शोरूम पे, हर एक बैंक के द्वारा। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा इस बाइक की जो प्रोसेसिंग फी है इस सब के ऊपर एक ध्यान रखिए। प्रोसेसिंग फी बहुत सारी शोरूम ना 2-3 हज़ार तक भी ले लेती है, पर प्रोसेसिंग फी आपका 1 से 1.5% तक इसके अंदर ही रहता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। एंड शोरूम वाला क्या करता है, हिडन चार्ज करके आपका जो फाइनेंसर रहती है वो क्या करता है 3-4 हज़ार तक भी ले लेता है, तो इतना ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं, आप लोग प्रॉपर उनसे एक बिल मांग लेना। एंड डॉक्यूमेंट चार्ज, एक हैंड स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, ये सब लगती है, तो टोटल आपका बस ऑल एवरेज आपका 2,000 के अप्रोक्स आती है, इससे ज़्यादा आपका प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह नहीं आती है बाइक के ऊपर, ये आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा इस बात पे। सो ये हो गए हिडन चार्जेस, यही वगैरह हिडन चार्जेस लगती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एंड आप लोग एक बार डॉक्यूमेंट वगैरह अच्छे से पढ़ लेना लोन करने से पहले। एंड आप लोग अगर हल्दिया के अंदर से हो आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करना द ऑटो एक्सपो शोरूम पे, इधर आपको R15 की हर एक बाइक मिल जाएगी एंड जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगी। एंड 10-15 मिनट के अंदर ही आपका लोन प्रोसेस कर दिया जाता है। सो एक बार चेकआउट कर लेना दोस्तों।
दोस्तों ये थी R15 V4 की एक आपको डिटेल्ड जो होती है बाइक की प्रोसेसिंग फी, लोन अमाउंट, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो। वीडियो कैसा लगा हो मेरे को एक बार बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सबके साथ शेयर कर दीजिए, जो लोग R15 लेने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ भी। दोस्तों मिलते हैं और नए वीडियो में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।